अभ्यास की अपेक्षा है, साधना की अपेक्षा है, लक्ष्य हमारा बन जाए और अभ्यास चले तो हम गंतव्य की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अब दुनिया में ऐसे प्रशांत लोग भी मिल सकते हैं जिनका गुस्सा प्रायः शांत रहता है, बड़े शीतल स्वभाव के होते हैं। जैन वांग्मय में कहा गया, मह पसाया इसिणो हवंती नहु मुनि कोव परा हवंती। ऋषि जो होते हैं, महान प्रसाद वाले, प्रसन्नता वाले होते हैं, वे कोप क्रोध में तत्पर नहीं होते। ऋषि को तो शांत होना ही चाहिए, गृहस्थ फिर भी गुस्सा कर ले, वो गृहस्थ है, इतना ऊंचा साधक नहीं है। पर साधु का तो कसाय और शांत रहना चाहिए, वो साधु है, उसने साधु का वेश धारण किया है, उसका तो विशेष कंट्रोल क्रोध पर, कसाय पर होना चाहिए। हालांकि साधु भी जब तक छद्मस्थ अवस्था में है, कभी कभी उसे भी गुस्सा आ जाता है, कभी अहंकार भी आ जाता है, पर साधु को प्रयास करना चाहिए कि मैं कसाय प्रतनुकरण का अभ्यास करूं, पयणु कोह मान माया लोहे का आगम सुक्त मेरे जीवन में चरितार्थ हो, ऐसा मुझे अभ्यास करना चाहिए। धन्य है उन तपस्वी साधुओं को, साध्वियों को या लोगों को भी जिन्होंने अपने गुस्से को जीत लिया है। अहो ते निज्जियो को हो, क्रोध को जीत लिया है, अहंकार को जीत लिया है और प्रशांत अवस्था में रहने वाले होते हैं। आप लोग पारिवारिक जीवन जीते हैं, गार्हस्थ्य में रहते हैं, परिवार का माहौल कैसा है, परिवार में शांति है या नहीं, परिवार में अनेक सदस्य साथ में रहते हैं, वहां मानसिक समाधि रहती है या नहीं, एक दूसरे से संतुष्ट होते हैं या एक दूसरे की समाधि में, साधना में, शांति में सहायक बनते हैं, किसी के मन को विक्षोभ पैदा न करें, किसी के मन में शांति रहे, उसमें हम सहयोगी बने। अगर सहिष्णुता का अभ्यास हो, व्यवहार शिष्ट हो और वृत्तियां बड़ी न्यायपूर्ण हो, स्वार्थ का प्रभाव न हो, निस्वार्थ भाव हो, पर हितैषिता की भावना हो, तो परिवार में मानसिक समाधि की स्थिति का निर्माण हो सकता है। जैसा कि कहा गया कि ऊपर चढ़कर देखो, घर घर ओई लेखो। अशांति की बात मैं पक्का तो नहीं कहता, सब घरों में अशांति ऐसी बात तो मैं नहीं कहता, अपने अनेक घरों में आपको अशांति मिल सकेगी, किसी के बहू कहने में नहीं है, किसी के बेटा कहने में नहीं है, या कहीं दाम्पत्य जीवन में परस्पर समाधि नहीं है, टकराव चलता है, संघर्ष चलता है, ऐसी अनेक स्थितियां मिल सकती हैं। हम मानव हैं, मनुष्य हैं, तो शांति का जीवन जिए, दूसरों के प्रति हमारे मन में करुणा की भावना हो। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी संभवतः सुजानगढ़ में एक बार विराजमान थे और हम लोग कुछ बाल मुनि उनके उपपात में रहते थे। जहां तक मुझे स्मरण है, उन दिनों में गुरुदेव प्रातरा सुबह का नाश्ता, सुबह नाश्ता नहीं करते थे, बहुत लेट व्याख्यान के बाद कुछ लिया करते, तो हम लोग भी फिर सुबह नाश्ता नहीं करते,
एक बार गुरुदेव ने फरमाया कि बाल ननकियों बाल मुनियों को सुबह नाश्ता करा दिया जाना चाहिए, और एक बड़ा मार्मिक वाक्य फरमाया कि मैं अपनी भूख तो सहन कर सकता हूँ, इन बच्चों की भूख मैं सहन नहीं कर सकता। तो कितनी करुणा, कितनी वत्सलता, पर कष्ट की अनुभूति कि दूसरों को बच्चों को कष्ट नहीं होना चाहिए। तो परिवार में दूसरों की तकलीफ पर ध्यान दिया जाता है, एक दूसरे की असुविधा सुविधा पर गौर किया जाता है, और एक हितैषिता संवेदनशीलता होती है, और स्वार्थ हावी नहीं होता है। तो पारिवारिक जीवन बड़ा शांतिमय रह सकता है, सुखमय रह सकता है। जहां अध्यात्म की साधना होती है, अध्यात्म का लक्ष्य होता है, वहां चित्त की निर्मलता होती है। चित्त की निर्मलता होती है तो बाहर की प्रतिकूलता आ जाए तो भी आदमी अपनी समाधि को खंडित नहीं होने देता। देखिए, एक तो हम यह अपेक्षा रखें सब हमारे अनुकूल स्थितियां रहे, ठीक है, कुछ अनुकूल स्थितियां हो भी सकती है, कुछ निमित्तों को जो कष्टकारक हैं हटाया भी जा सकता है, हमारा अभ्यास ऐसा हो जाए सद जाए प्रतिकूलता में भी हमारी प्रसन्नता खंडित न हो, हम प्रतिकूलता को भी सहज भाव से सहन कर सकें, ऐसा हमारा अभ्यास बढ़ना चाहिए। प्रतिकूलता को झेलने का मादा हमारा पुष्ट होना चाहिए। यह तो कम संभव है कि सारी बातें हमारे मन के अनुकूल हो जाएगी, संभव नहीं है। परम पूज्य कालूगणी के मन की भावना थी, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, कि मुझे युवाचार्य बनाना है, पर अभी तो यानी मेवाड़ में थे, युवाचार्य बनाना है, पर मैं थली में जाऊंगा, माँ छोगान जी के पास जाऊंगा, माँ छोगान जी के परिपार्श्व में मैं अपना युवराज बनाऊंगा, यह उनके मन की भावना थी। परंतु मेवाड़ में स्वास्थ्य की स्थिति ऐसी बनी कि न तो थली पधार सके, न मातुश्री छोगान जी से मिलना हो सका, और उनको मेवाड़ में ही गंगापुर में ही अपना उत्तराधिकारी मनोनीत करना पड़ा। तो जहाँ तक मैंने जाना उनके मन की यह भावना थी, पर इतने बड़े आचार्य थे, उनके मन की मुराद भी पूरी नहीं हो सकी, माँ छोगान जी से मिलना नहीं हो सका, और पहले ही उनको अपना मनोनयन करना पड़ा युवाचार्य का। तो सबके मन के अनुकूल स्थितियाँ हो जाएं, यह तो बड़ी कठिन बात है। हमारी साधना ऐसी हो, मन के अनुकूल हो तो ठीक, अनुकूल न हो तो ठीक, हम अपनी सहज प्रसन्नता में रहें और समता भाव में स्थित रहें। यह समता का अभ्यास हो जाए तो वह आयारो का सुक्त चरितार्थ हो सकता है कि समयम तत्थु वेहाय अपानं विपसायै। समता का अभ्यास कर, समता की प्रेक्षा कर, समता की साधना कर, अपने आप को प्रसन्न बनाएं। इसलिए हमें अपने जीवन में साधना का लक्ष्य बनाना चाहिए कि हम साधना में आगे बढ़ें। और कुछ जीवन में पा लिया कोई बड़ी बात नहीं मानता मैं तो, आपको बड़े से बड़ा पद मिल गया, आपको खूब पैसा मिल गया, बढ़िया बढ़िया मकान मिल गए, गाड़ियां मिल गई, कुछ भी मिल गए, मैं तो कोई उनको अति विशेष बात नहीं मानता। अगर जीवन में साधना का विकास नहीं हुआ है, नहीं किया है, तो हमने मानव जीवन में क्या किया? यह मानव जीवन हमें मिला है। जसराज जी बूरड़ मेरे सामने इधर बैठे हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, संभवतः कल ही कहा कि एक आचार संहिता ऐसी आप बनाओ, बताओ हमको कि वापिस हमें अगले जन्म में मानव की देह मिल जाए, ऐसी कोई आचार संहिता बताओ। मैंने कहा बूरड़ जी बात ऐसी है, अगर अगले जन्म में वापिस आपको मानव जन्म मिलेगा, इसका मतलब है आप मिथ्या दृष्टि प्राणी हैं। मिथ्या दृष्टि को वापिस मानव जीवन मिल सकता है, सम्यक्ति को वापिस तत्काल अगले जन्म में मानव जीवन नहीं मिलता, देवलोक में
वैमानिक देवगति में दस। इनका कहने का मूल भाव यह था, यानी ऐसी आचार संहिता हमें मिले, हम हमारे जन्म मरण, मैंने कहा ऐसा सोचो कि जन्म मरण हमारे कम हो जाएं और मोक्ष में जाएं, ऐसी आचार संहिता कोई होनी चाहिए, ऐसी साधना होनी चाहिए। तो आप लोग गृहस्थ हैं, हम लोग साधु हैं। साधु को तो खैर साधना का विकास करना ही चाहिए, पर गृहस्थों को भी सोचना चाहिए कि मैं साधना का विकास कैसे करूं, अगले जन्म के बारे में भी सोचना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने एक बार फरमाया था कि मैं तो अपने अगले जन्म के बारे में सोच रहा हूं, अगले जन्म पर ध्यान दे रहा हूं। वृद्धावस्था में थे, अगले जन्म के बारे में जानने सोचने की बात जो उन्होंने फरमाई, बहुत अच्छी बात है कि सोचना तो जवान को भी चाहिए, जवान को भी सोचना चाहिए, कम से कम वृद्धावस्था आ गई है उसको तो ज्यादा सोचना चाहिए, मेरी अगली गति क्या हो सकेगी, मेरा जीवन कैसा है, जीवन में तपस्या है या नहीं, जीवन में साधना है या नहीं, जीवन में समता है या नहीं, जीवन में पर कल्याण की भावना है या नहीं, जीवन में स्वार्थ त्याग है या नहीं। इस प्रकार चिंतन करे, त्याग संयम को बढ़ाए, तो अगली गति भी अच्छी हो सकती है, और उससे मुख्य बात है मोक्ष की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं, मोक्ष की साधना हमारी पुष्ट हो सकती है। तो समता एक ऐसी साधना है, सारी साधना का कोई सार है तो समता है। जैसे भगवद गीता और उत्तराध्ययन का एक सार हम निकालें वो है अनासक्ति का अभ्यास। गीता का, सारी गीता का एक सार कोई है तो मेरी समझ के अनुसार वह है अनासक्ति। मैं उत्तराध्ययन को भी देखूं, अनेक सार की बातें हो सकती है, एक कोई खास सार की बात है तो उत्तराध्ययन में भी अनासक्ति की बात है या समता की बात है। तो समता सार है जीवन का, साधना का, अध्यात्म का, वो सार हमें प्राप्त हो जाए इसका मतलब है हमने जीवन में कुछ पाया है। तो हम समता का अभ्यास कर आत्म कल्याण और मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। दानान सिद्धम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम ब्रह्मचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते।